टू जी थ्री जी सी डब्ल्यू जी दामाद जी लोधी गार्डन में सैर करते नजर आते हैं कोई जेल नहीं गया ऐसा है कि जमानत भी, भी तो है जो जमानत पर है वो सैर कर सकते हैं कानून रोकता नहीं है लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था चार चार पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है उनको जमानत पर निकलना पड़े और वो भी पैसों की हेरा फेरी में ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और जो सेट ऑफ पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते हैं और चीज़ों को उभारने में लगते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री उनको आज अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है इसलिए उनको तकलीफ हो इस पक्ष के हम नहीं है ये वेंडेटा नहीं है इस पक्ष में हम कभी नहीं है हम मानते हैं कानून और प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भुगतना पड़ेगा वरना देश चल नहीं सकता है और इसलिए न हमारा किसी व्यक्ति से संबंध कोई लेना देना है न किसी संस्था से लेना देना है मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें अदालत जो फैसला सुनाए, उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन देश ज़्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है और इसलिए ऐसी चीजें लटकनी नहीं चाहिए